कल कुछ विशेष दिन था, कौन जानते हैं कल क्या स्पेशल था? एकादशी भी थी, मोक्ष था एकादशी। तो कल बहुत ही विशेष दिन था। वैसे तो जो मुझे बोलना था बहुत अच्छा ड्रामा में भक्तों ने यहाँ पर दिखाया। आप लोगों को ड्रामा अच्छा लगा तो जोर से बोलिए हरि बोल। तो ड्रामा में वैसे बता दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भगवद गीता के बारे में बताता हूँ। तो भगवद गीता के बारे में पांच चीजें बताऊंगा। सबसे पहला है भगवद गीता इज मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हम कोई भी मशीन खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है ना। जैसे मुझे याद है हमारी बुआ के घर में जब सबसे पहले उन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदी तो उनको लगा वॉशिंग मशीन मतलब इसमें सब धुल जाता है, और घर में कोई बड़ा था नहीं तो उन्होंने सारे बर्तन डाल दिए, और वो जो कांच के और चाइना क्ले के बर्तन तो सारे टूट गए। तो उनसे पूछा कि बुआ जी इसमें क्यों डाले, बोले इस पे लिखा वॉशिंग मशीन। तो अगर हम मैनुअल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक से हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो भगवत गीता क्या है, हमारी लाइफ का मैनुअल है। एक बार एक कुत्ता था जो कुछ खाना खा रहा था, पीछे से एक शेर आया तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुत्ते को समझ में आया कि अब शेर मुझे खा जाएगा, तो कुत्ता ऐसे बोलने लगा, इतना जोर से बोला कि शेर को सुनाई दे। तो कुत्ते ने कहा कि अरे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आज शेर नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, अगर एक शेर आ जाता तो मजा आ जाता। अब शेर ने सुन लिया, शेर घबरा गया तो वो उल्टे पांव पीछे भाग गया। तो ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था पेड़ पे, वो सब देख रहा था, और बंदर पीछे पीछे गया शेर के और बोला तुझे बेवकूफ बनाया है, बोले वो कुत्ता है और तू शेर है, तो चल मेरे साथ अब इस कुत्ते को बताएंगे। तो अब वो बंदर और वो शेर दोनों वापस आने लगे। अब कुत्ता वहीं था, कुत्ता अभी खाना खा रहा था, तो कुत्ता अब घबरा गया। लेकिन जैसा कि हमारे भक्तों ने बहुत अच्छा यहाँ पर सिखाया कि अगर आपका मन मनस्थिति बदल जाए तो आप परिस्थिति को संभाल लेंगे, अगर मनस्थिति खराब है तो थोड़ी सी परिस्थिति में हम लोग फेल हो जाते हैं। तो उसकी मनस्थिति अच्छी थी, तो उसने इस बात और थोड़ा ऊंचा जोर से बोला ताकि कुत्ते को, ताकि शेर को और बंदर दोनों को सुनाई दे। तो उसने कहा, कुत्ते ने कहा कि अरे बड़े दिन हो गए मैंने शेर नहीं खाया, और ये बंदर को भेजा था एक शेर लाने के लिए, इतनी देर होगी आया क्यों नहीं है बंदर। तो अब की बार जब शेर ने सुना तो भागता गया, बंदर उसके पीछे भागता रहे, रोक रोक रोक, शेर ने सुना ही नहीं भागता था। तो पशु पक्षियों में और मनुष्यों में ये अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि पशु पक्षियों में भी बुद्धि होती है ना। आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा था, एक पक्षी का घोंसला होता है, उस घोंसले का जो मुंह खुलता है उसमें अंदर कुछ नहीं होता, और उसके ऊपर एक दूसरा मुंह होता है वो छुपा होता है। तो जो वहां जहां से मुंह छुपा होता है वहां पर जाके वो पक्षी अंडे देता है। तो सांप आता है नीचे वाले मुंह में जाता है, देखता है कुछ नहीं, वापस चला जाता है, और जो ऊपर वाला मुंह है वो सांप को दिखाई नहीं देता। तो देखो उसमें बुद्धि होती है, पशु पक्षी में बुद्धि होती है। एक पक्षी होता है जो अपना घोंसला बनाता है लेकिन वो रात में जागता है, तो रात में जागने के लिए लाइट चाहिए, लगा रही है, वो क्या करता है जुगनू को पकड़ के लाता है और अपने घोंसले में लगा देता है, इल्यूमिनेशन। तो महाभारत में बताया गया, आहार निद्रा भयमेतुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। बताया गया है कि अगर मनुष्य भी ये चार काम कर रहे हैं, क्या, आहार खाना, सोना, प्रजनन करना रिप्रोडक्शन, और अपनी रक्षा करना, ये सब करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं और हम भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, सामान्य एकत पशु भी नरणम, लेकिन मनुष्य अलग क्यों है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेष। तो हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो किस लिए मिला है, धर्म के कारण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, इसलिए भगवद गीता क्या है, मैनुअल ऑफ लाइफ। दूसरा है
कि भगवत गीता गिव्स द हाईएस्ट ब्लिस, भगवत गीता हमें परम आनंद प्रदान करने के लिए। तो ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है जो परम आनंद में हो। ज्यादातर लोग जीवन को घसीट रहे हैं बस, है ना। एक बार एक साधु एक गांव में गए, तो सबसे पहले उनको गांव में एक कसाई मिला, कसाई बुचर। तो उसने साधु के पैर छुए और साधु ने उसको बोला कि जियो भाई मरो, कहते या तो तुम मर जाओ या जियो, तुम्हारे लिए एक ही है। फिर उनको बोला माँ जियो माँ मर, पर ना तो तुम जियो ना मरो, ऐसा बोल। किसको बोला? कसाई को। फिर थोड़ा आगे गए तो वहां पे जो राजा था उसका बेटा राजकुमार मिला। तो राजकुमार ने साधु के पैर छुए तो साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी बहो, यानी तुम बहुत लंबे समय तक जियो। थोड़ा आगे गए फिर वहां पर उनको एक भक्त मिले, एक भक्तों का परिवार मिला। तो उन्होंने, यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त बैठे हैं जो कई वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा परिवार मिला भक्तों का। तो उन्होंने साधु के पैर छुए पूरे परिवार ने, साधु ने बोला जियो वा मरो वा, चाहे तुम जियो चाहे मरो, एक ही है। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए तो वहां पर उनको एक तपस्वी मिला जो गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा कर रहा था। तो उनको बोला माँ जियो, तुम जियो मत, तुम जल्दी मर जाओ। तो चार अलग अलग लोगों को अलग अलग आशीर्वाद दिए। तो उनके साथ जो उनके शिष्य जा रहे थे उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये सबको अलग अलग तरह का आशीर्वाद क्यों दिया आपने। तो उन्होंने समझाया, पहला कौन मिला था? कसाई मिला था। तो बोला देखो कसाई जहां पर रहते हैं वहां पर क्या होता है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और खून फैला होता है और मांस होता है, और नरक में क्या होते हैं? नरक में भी वही होता है। तो बोला तुम ना तो जियो तुम ना मरो, क्योंकि तुम जी भी नरक में ही रहे हो और मरने के बाद कहां जाओगे? नरक में। कुछ मां जियो मां मरो उनको आशीर्वाद। फिर थोड़ा आगे गए थे तो कौन मिला था? राजकुमार मिला था। तो राजकुमार को बहुत पैसा था, बहुत धन धान था और बहुत लग्जूरियस लाइफ, जैसे अभी भोला भाला का दिखाया हमने। तो बड़ा भोग कर रहा था, बहुत जीवन का आनंद ले रहा था, मजा मस्ती में जीवन बीत रहा था। तो मजा मस्ती में जो जीवन बीतेगा तो उसने मनुष्य जीवन का मैनुअल अभी पढ़ा नहीं। तो उसको साधु ने क्या आशीर्वाद दिया था? चिरंजीवी बाबा, बोला तुम लंबा जीवन जियो, बोले क्योंकि तुमने अपने जन्म में इतने पाप कर लिए हैं, अभी मरने के बाद कहां जाओगे? नरक जाओगे। लेकिन अभी तुम भोग कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारा जीवन लंबा हो जाए ताकि तुम्हारा नरक दूर रहे तुमसे। अभी जल्दी से मत मरो, तुम यहीं पर ही भोग करो अभी थोड़ा। इसलिए उनको बोला चिरंजीवी बाबा। फिर उसके बाद कौन मिला था? भक्तों का परिवार मिला। उस पर मैं बाद में आऊंगा। उस सबसे अंत में मिला था एक तपस्वी मिला था जो गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा कर रहा था। तो उनको साधु ने बोला था माँ जी हो तुम जल्दी मर जाओ। क्यों बोला था ऐसा? वो बताए कि तुम आश्रम में रह रहे हो, गुरु के आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे हो गुरु की सेवा में, तो इस सेवा का फल तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। अभी तुम्हारा जीवन बड़ा कष्टदायक है, सुबह जल्दी उठते हो, गुरु का आश्रम साफ करते हो, गुरु के लिए भिक्षा मांगने जाते हो, सब कुछ करते हो, तो जो कष्ट उठा रहे हो उसका फल तुम्हें मरने के बाद तुरंत मिलेगा, इसलिए तुम जियो मरे माँ जियो जल्दी मर जाओ, ऐसा आशीर्वाद। और अंत में क्या बोला था? कौन मिले थे? भक्तों का परिवार मिला। तो उनको क्या आशीर्वाद दिया था? जियो वा मरो वा, या तो तुम जियो या जब मरो, एक ही बात है। बोले तुम यहाँ पर जी रहे हो, क्या कर रहे हो? भक्तों की सेवा कर रहे हो, सुखी हो, हरि नाम कर रहे हो। तो देखिए भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें, भक्ति का मतलब है हमें चीजों को बदलना है। डिस्को में नाचने की जगह आप जीवन में नाचिए, होटल में खाने की जगह आप भक्तों के साथ प्रसाद लीजिए। हमारे साथ पहले से ही बहुत भक्त जुड़े हैं कई वर्षों से, वो इसका अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको अपने जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है। और जैसे ही कृष्ण को जोड़ते हैं तो हमारा जीवन यहाँ पर भी आनंद में और यहाँ से जाने के बाद भी
तो इसलिए उन्होंने बोला जीवा मरुआ या तो तुम जीवा मरो, एक ही बात है, तुम यहाँ पर भी आनंद में और जन्म के बाद शरीर छोड़ने के बाद तुम फिर आनंद में ही रहो, मैं आशीर्वाद। तो भगवत गीता हमें हाईएस्ट गोल हाईएस्ट ब्लिस देती है, परम आनंद के बारे में बताती है। और तीसरा पॉइंट है कि भगवत गीता गिव्स अस गोल ऑफ लाइफ, हमें जीवन का लक्ष्य पता चलता है। तो एक व्यक्ति थे, इस अच्छी घटना है, वो जीवन से बड़े निराश हो गए थे और आत्महत्या करने जा रहे थे। ये 30 साल पुरानी घटना है, भारत को उस समय ट्रेन और भी लेट होती थी, अभी भी लेट होती है इंडियन रेलवे, लेकिन पहले और भी लेट होती थी। तो रेल की पटरी पर बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन आई नहीं, ट्रेन लेट थी। तो पास में झोपड़ी होती है ना रेलवे ट्रैक के साथ में, एक झोपड़ी में गाना चल रहा था। क्या गाना चल रहा था? आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं एक ऐसे गगन के तले, ना गम ना हो ना सुविधा बस प्यारे का। कृष्ण का तुमने देखी है फिल्म है। तो वो एक गाना चल रहा था, अब हम मरने के लिए तो बैठे ही थे, सोचने लगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं, सच में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, हमें ऐसी जगह जाना है। अगर कोई जगह होती है तो मरने से पहले एक बार देख टेस्ट कर लेते, क्या पता हो। तो वहां पर गए और वो कैसेट्स होती थी उन दिनों में, आजकल तो सब मोबाइल में आ जाता है। तो वो कैसेट को उठाया, कैसेट के कवर पे देखा तो वहां के जो गीतकार थे वो भी बॉम्बे में ही रहते थे। तो उनके घर गए और पूछने लगे कि आपको ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, क्या हमें आप बता सकते हैं? तो वो जो गीतकार था बोला नहीं नहीं मैंने तो ऐसे इमेजिनेशन से लिख दिया, ऐसे फिल्मों में बहुत सारे गाने होते ना, मतलब मुझे ऐसी कोई जगह के बारे में जानकारी है। तो फिर बड़े निराश हो गए और गिरगांव चौपाटी में 7 KM मुंशी मार्ग की वैसे जा रहे थे, और वहां पर जाते जाते पड़ता है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। राधा गोपीनाथ मंदिर में कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। तो कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में हमारे भक्त लोग ऐसे उत्साह से नाच रहे थे जैसे अभी कूद के छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो इतने खुश हैं, इनके इनको जरूर पता होगा कोई ऐसी जगह यहाँ पर गम भी ना हो आंसू भी ना हो, इनसे पूछता हूं। तो सौभाग्य से वो मंदिर में चले गए और भक्तों ने उनको खींच लिया उनके साथ, भक्त के साथ वो भी नाचने लगे, सब नाच रहे तो भी नाचने लगे। आप में से कितने लोग नाचना चाहते हैं कीर्तन में? बोलिए हरि बोल। तो अभी इस कथा के बाद नानसिंह कीर्तन होगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग यहीं पर ही नाचेंगे। तो वो भी नाचने लगे और नाचने के बाद उन्होंने प्रसाद लिया, तो प्रसाद का पैसा देने लगे, बोले नहीं नहीं आप प्रसाद लीजिए आराम से शांति से, कोई पैसा नहीं फ्री में। तो उसके बाद उनके मन में जिज्ञासा थी कि मुझे पता करना है कोई ऐसा स्थान है क्या जहां पर गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पड़े। तो हमारे भक्त से मिले, भक्त ने बताया कि आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, भगवत गीता में 24 ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम इति स्वर्गम्। कि अगर आप मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझ गए तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे, जहां से जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे। वहां पर लोग चलते नहीं है नाचते हैं, वहां पर लोग बोलते नहीं है गाते हैं, वहां पर पानी तोयम अमृतम, पानी वहां पर अमृत के समान है। तो भगवान का परम धाम, तो ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन में हम सांस जब आखिरी सांस लें तो दोबारा जन्म ना लेकर भगवान से धाम को प्राप्त करें। तो ये जीवन का लक्ष्य मिलता है हमें भगवद गीता से। तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग हैं
लेकिन वो जीवन का लक्ष्य उनके पास नहीं होता है तो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन के लक्ष्य पर ध्यान करना। तो ये तीसरा पॉइंट था कि भगवत गीता हमें गोल ऑफ लाइफ देती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि भगवत गीता हमें सब तनाव से मुक्त करती है, एंजाइटी फ्री करती है। तो एंजाइटी कहां से आती है? माइंड से आती है। तो वो आपने बहुत अच्छा ड्रामा में देख ही लिया है कि अगर हमारी मनोस्थिति खराब होती है तो कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमारे मन के लिए एक मेडिसन है, एक औषधि है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेव मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्। छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो नियंत्रित मन है वो हमारा मित्र है, हमारा सखा है, वो हमें आनंद भरा जीवन देता है। लेकिन जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, अनियंत्रित मन है, वो हमारा शत्रु है। बाकी हम जीवन में कितना भी एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन अगर माइंड कंट्रोल्ड नहीं है तो हम दुखी है। तो भगवत गीता हमें एंजाइटी से फ्री करती है। और अंत में पांचवा जो भगवत गीता का उद्देश्य है वो है कि भगवत गीता इज क्विक स्टडी ऑफ ऑल द वेदास। वेद शास्त्रों में 100,000,000,000 श्लोक हैं और उसमें वेदों को पढ़ने से पहले आपको 6 चीजें पढ़नी होती हैं, व्याकरण, छंद, ब्राह्मण, अरण्यक और ज्योतिष, ये सब पढ़ना होता है। उसको पढ़ने में 13 साल लगता है। संस्कृत सीखने के बाद फिर हम शास्त्रों को उठाते हैं। तो 108 प्रमुख उपनिषद हैं और वैसे 200 से भी अधिक उपनिषद। तो एक मनुष्य जीवन में संभव नहीं कि हम सारे शास्त्रों को पढ़ लें। लेकिन गीता महात्म्य में, गीता महात्म्य पद्म पुराण में दिया है, जहां पर व्यास देव बताते हैं कि मेरे पीछे पीछे बोलिए, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महा। तो बोल रहे हैं शंकराचार्य ने, जो जिन्होंने गीता महात्म्य लिखा है, वो बोल रहे हैं कि अगर सब उपनिषदों को एक गाय बना दें, सर्व उपनिषद हो गावो गाय बन जाए, तो दुग्धा गोपाल नंदना, उस गाय का दूध कौन निकाल रहे हैं? गोपाल नंदन मतलब श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण। और उस दूध को कौन पी रहा है? बोल रहे हैं कि पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन उस दूध को पी रहे हैं। वास्तव में अर्जुन के माध्यम से वो हमें भी वो दूध पिला रहे हैं। और दुग्धम गीता मृतम महान, ये दूध कैसा है? अमृत के समान। अमृत मतलब मृत से परे ले जाता है। ये दूध हमें मृत्यु के परे ले जाने वाला है, अमृत प्रदान करता है। और वैसे तो गीता में हमें बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलते हैं। एक जगह बोला गया, बोलिए, मलिने मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो बताया गया कि हम रोज स्नान करते हैं लेकिन फिर गंदे हो जाते हैं, फिर दोबारा स्नान करते हैं, है ना। मलिनम मोचने पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, तो हर रोज स्नान करना पड़ता है, नहीं नहाएंगे तो शरीर से दुर्गंध आने लगेगी, है ना। लेकिन सत्यम गीता मृतम स्नानम, जिसने एक बार भगवत गीता में स्नान कर लिया तो संसार मलनाशन, सारे संसार की परेशानियां, एंजाइटी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो भगवत गीता का ये पांचवा लक्ष्य है। तो मैंने क्या बताया, पहला भगवत गीता क्या गोल है, किसी को याद है? भगवत गीता इज मैनुअल ऑफ लाइफ, है ना, जैसे मशीन के साथ मैनुअल आता है वैसा ही मैनुअल है। दूसरा क्या बताया, भगवत गीता गिव्स अस ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस, परम आनंद। और तीसरा क्या बताया, भगवत गीता गिव्स अस गोल ऑफ लाइफ, हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। चौथा क्या था, भगवत गीता फ्रीज अस फ्रॉम एंजाइटीज, तनाव से मुक्त करती है, हमारे मन को नियंत्रित करके। और पांचवा क्या बताया, इट्स अ क्विक स्टडी ऑफ वेदास, बहुत जल्दी हम सारे शास्त्रों को समझ सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर आपके ही क्षेत्र में, ये उत्तर हावड़ा में, ये भगवत गीता का एक कोर्स भी लॉन्च किया है, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता,
आप ऐसे कुछ लोग उसका पैम्फलेट्स वगैरह देखकर भी आए होंगे, है ना? आप ऐसे कितने लोग पैम्फलेट देख कर आए ये रजिस्टर्ड? अच्छा ओके, और तुम्हारे भी उधर कुछ यूथ भी हैं। तो इसलिए हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे एवरी संडे, सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होंगी। तो बहुत सिस्टमेटिकली उसको मैं गीता पढ़ाएंगे हम। इसमें आप एथीस्ट भी आ सकते हैं जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, नास्तिक हैं, हम वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये स्थापित करेंगे कि भगवान है, गॉड एग्जिस्ट, और केवल है नहीं बल्कि हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं। तो वहां से हमारा पहला सेशन उस पर होगा भगवद गीता से। फिर दूसरे सेशन में हम ये स्थापित करेंगे कि जो हमारे शास्त्र हैं ये मनगढ़ंत नहीं है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं, ये रियलिटी है, फैक्चुअल है। हम शास्त्र में अपनी श्रद्धा को स्थापित करेंगे, विल एस्टैब्लिश आवर फेथ इन स्क्रिप्चर्स, वो दूसरे हम सेशन में देखेंगे। फिर तीसरे सेशन में हम देखेंगे हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम कौन है, वो एम आई, है ना? हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो आत्म तत्व ज्ञान उसमें हम देखेंगे। चौथे सेशन में हम देखेंगे कि भगवान है कौन, वो इज गॉड। पांचवें सेशन में हम देखेंगे कि भगवान का धाम क्या है। अभी तो मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया कि भगवान का धाम कहाँ है और क्या है, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और वहां पर हम आपको मंत्र मेडिटेशन टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे आप मंत्र जप करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने भगवान के नाम को भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, पूरा प्लान है। तो ये छठा सेशन हो गया। फिर उसके बाद सातवें सेशन में हम देखेंगे कि जो इतने सारे दुनिया भर के धर्म हैं और सनातन धर्म है, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। जब भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे सातवें सेशन में। और आठवें सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवद गीता को किस भावना से समझा जाए। तो ये आठ सेशन एक क्रैश कोर्स होगा, उसके बाद फिर डिटेल में भगवद गीता बनाएंगे श्लोक बाय श्लोक। पहले हम आठ सेशन में क्रैश कोर्स करेंगे और उसके बाद डिटेल में भगवद गीता श्लोक बाय श्लोक, चैप्टर बाय चैप्टर हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो और हमारे साथ यहाँ पर भगवद गीता भी है, तो अगर आप भगवद गीता लेना चाहें, ये भगवद गीता एक विशेष भगवद गीता है, क्योंकि आप भगवद गीता अपने आप पढ़ेंगे तो आप हो सकता है मैक्सिमम 5% समझ पाए। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर वाज ऑन हिज डेथ बेड, शरीर छोड़ने वाले थे, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि भगवद गीता पढ़िए उनके सिरहाने बैठकर, है ना? कोई अगर मरने वाला होता है तो उनके पास बैठकर गीता पढ़ी जाती है। तो एक भगवद गीता थी मेरे पिताजी ने मुझे, और मैंने 5 बार उस भगवद गीता को पढ़ा अपने दादाजी के लिए कि भाई उनको अच्छी गति प्राप्त हो। अब मुझे पता नहीं मेरे दादाजी को क्या समझ में आया, मुझे उस भगवद गीता को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया। 5 बार पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, मुझे ये जो मैंने 5 आपको बेनिफिट बताए उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये तो भगवद गीता है, कि क्रांतिकारी भगवद गीता है। इस भगवद गीता के आने से पहले, क्योंकि इसमें भगवद गीता में हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया टीका है, कमेंट्रीज बाय आचार्यस, तो जब आचार्य की मदद से, आचार्य की कमेंट्री से हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तब आप 100% भगवद गीता समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता बहुत स्पेशल है। इस भगवद गीता के आने से पहले अमेरिका में कोई भी कृष्ण भक्त नहीं था, वहां पर हिप्पीज थे, वो लोग ड्रग्स लेते थे, इलिसिट सेक्स करते थे, गोमांस खाते थे, जुआ खेलते थे। लेकिन इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जब उन्होंने इस भगवद गीता को अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद पूरा युग परिवर्तन हो गया। वही हिप्पी लोग जो सब बुरे काम करते थे वो लोग भगवान के भक्त बन गए। आप में से कितने लोग माया बने हाथ खड़ा करिए, और बहुत लोग नहीं, कई बार गए ना? तो मायापुर में आपने देखा होगा चाइनीज भक्त, रशियन भक्त, अफ्रीकन भक्त, अमेरिकन भक्त, यूरोपियन भक्त, आपको सब जगह के लोग मिल जाएंगे। तो वो कहाँ से आए हैं? वो इसी गीता को पढ़ते रहे। वो हम लोग इतना भाग्यशाली नहीं है कि बचपन से ही भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते बड़े हुए, है ना? बचपन से ही गंगा में स्नान किया हो या यमुना में स्नान किया हो,
लेकिन इस भगवद गीता को पढ़कर वो भी कृष्ण भक्त बन गए और श्रील प्रभुपाद ने इस युग परिवर्तन को सिद्ध किया भगवद गीता से। तो भगवद गीता यहाँ पर अवेलेबल है, आप में से भी कोई भगवद गीता लेना चाहे आज स्पेशल डिस्काउंट पर है और भगवद गीता के साथ एक कैलेंडर भी है, आप जरूर उसका लाभ उठाएं। और मेरा ये भी निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं या दूर भी रहते हैं इस कौन से जुड़े, हमारा प्रोग्राम किसी को साधु सन्यासी बनाने का नहीं है। हमारे सीना जी हमें मिले तो अभी बता रहे थे, सीना जी भी आपके नए जुड़े हैं इस्कॉन से, तो बता रहे थे कि मैं समझता था इस्कॉन मतलब सारे साधु सन्यासी मेरे जैसे, ऐसा नहीं है। इस्कॉन में 99.99% जुड़े हुए लोग गृहस्थ हैं, आपके जैसे हैं। मेरा छोटा भाई भी इस्कॉन में ही दीक्षित है और वो गृहस्थ है, उसका बेटा भी है, तो मेरा पूरा परिवार इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं ही यहाँ पर। तो इस्कॉन का मतलब है कि आपके पूरे परिवार के लिए हमारे पास प्लान है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो आप भी जीवन को सफल बनाएं, भगवद गीता पढ़ें और भक्तों का सत्संग करें इसी प्रकार से। बस यही छोटा सा मुझे संदेश देना था। तो अब हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। प्रेम गोपाल गुरु, थैंक यू। अच्छा अच्छा, तो आप सब लोग खड़े हो जाइए, बैठे बैठे थक गए होंगे।